कहते हैं कृतिनेश्वर महादेव। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पे अगर आप नंदी देखेंगे तो जनरली नंदी आपको कभी भी ऐसे दांत किटकिटाते या फिर एक के ऊपर एक दांत रखे हुए कभी नहीं मिलेंगे। कहानी ये कही जाती है कि यहाँ पे एक राक्षस युद्ध हुआ था और जिसमें नंदी के भी कुछ दांत टूट गए थे लड़ाई में। इसके अलावा ये जो मंदिर है, ये महामृत्युंजय मंदिर के पास है, ये बनारस में मैदागिन क्षेत्र में पड़ता है। और ये वाली शिवलिंग है और ऐसी शिवलिंग आपको बहुत कम देखने को मिलेगी बनारस में। ये हम लोग एक और एक मंदिर आए हैं, ये भी काशी खंड में मंदिर पाया जाता है गोदावरी तट पे। बनारस में लोग कहते हैं कि बनारस से 5 नदियों का संगम है। पर अब जिस मंदिर में हम लोग जा रहे हैं वो है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नंदी है वो एकदम सामने नहीं है बल्कि एकदम साइड में है। तो ये भी एक मंदिर है जहाँ पे जरूर नॉर्मली माना जाता है कि नंदी हमेशा शिव जी के एकदम सामने बैठी रहती है और दरवाजे के बाहर होती है, मगर यहाँ पे नंदी मंदिर के प्रांगण के अंदर में है, गर्भगृह में। ओम रामेश्वराय नमः। ये एक और एक ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, रामेश्वर महादेव। और इसी के बगल में एक और मंदिर है जिसका नाम है सोमेश्वर महादेव। ये वाला जो मंदिर है ये सोमेश्वर महादेव, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंदी जो है वो एकदम शिवलिंग के सामने है और जबकि इससे पहले वाली जो हम लोग देख रहे थे त्र्यंबकेश्वर में उसमें एकदम साइड में बैठी हुई थी। तो हर मंदिर का अपना एक अलग रूप है। इसके अलावा इस नंदी की एक सींग टूटी हुई है, जैसे हम लोग उस मंदिर में देखे थे कि जो नंदी थे उनके दांत टूटे हुए थे। हर हर महा।